अक्सर आईने के सामने या अपने मोबाइल कैमरे के सामने वक्त बिताते थे। ये एक दिन में 10 से 20 सेल्फी सोशल साइट्स पर शेयर करते थे। एक तरह से ये जुनून बन जाता है और बच्चे के मस्तिष्क पर या यंग पीपल के मस्तिष्क पर इतना छा जाता है कि वे अपने बाकी की सारी जिंदगी भूलकर इसी में व्यस्त होने लगते हैं। मेरे क्या क्या पोस्ट आए हैं, मेरे कितने लाइक्स आए हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, यही देखते रहें। ये सवाल सीधे युवाओं से जुड़े थे, लिहाजा इन सवालों का जवाब भी युवाओं से मिल सकता था। आप जो कह रहे हो वो सही है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी मतलब मैक्सिमम गर्ल्स ही ज्यादा है यूज्ड टू है इसकी। मेरे कॉलेज में तो लाइक 90-95% पीपल, वो लोग लिटरली आते भी लाइक आधे टाइम उनका डे शुरू ही सेल्फी से होता है, खत्म ही सेल्फी से होता है। पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसी जानकारी भी मिली जिसे कोई भी युवा शायद ही महसूस करना पसंद करे। हमें पता चला कि सेल्फी लेते वक्त चेहरे पर पड़ने वाली नीली लाइट्स स्किन के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है। मोबाइल से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सनस्क्रीन की परत भी नहीं रोक सकती। कई रिसर्च में ये भी बात सामने आ चुकी है कि ज्यादा सेल्फी लेने की चाहत बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी को जन्म दे सकती है। इस बीमारी से लोगों को एहसास होने लगता है कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं। कॉस्मेटिक सर्जन का भी यही कहना है कि सेल्फी के दौर ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों की तादाद में काफी इजाफा किया है। टी न्यूज़।